हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर वीकेटी एंड आज हम लोग एक पैथोलॉजी लैब में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, कैसे उनका रिजल्ट निकाला जाता है और कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो आज हम पैथोलॉजी की हर एक चीज़ को जानेंगे सिर्फ इस चैनल पे। तो सबसे पहले मुझे पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि कैसे ब्लड में से सीरम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो प्रोसेस किया जाता है ये सेंट्रीफ्यूगेटर के द्वारा। ठीक है, तो ये मशीन को मैंने ऑन किया और फिर वो मशीन रोटेट होने लग गई। एंड कैसे रोटेट किया जाता है, ये इसका नॉब है जिसको हम राइट साइड घुमाएंगे तो उसकी वजह से जो मोटर है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर का वो चलने लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रिंसिपल ऑफ सेंटीमेंटेशन, जो ब्लड है वो अपने डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं। जो ब्लड के सेल हैं वो अपने डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट कर दिए जाते हैं। तो जस्ट हमने 30 सेकेंड किया और आप इसमें इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ब्लड में से सीरम निकल गया है। आगे हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया, इसमें मैंने ब्लड सैंपल लिया और वो ब्लड सैंपल को एक स्लाइड के ऊपर स्वाइप किया। ठीक है, और उसके बाद मैं स्लाइड को कुछ देर के लिए सूखने के लिए दे रहा हूँ और उसके बाद मैं उस स्लाइड पे एक फिक्सेटिव सॉल्यूशन डालने जा रहा हूँ। और ये फिक्सेटिव सॉल्यूशन का फंक्शन क्या है कि जब हम ये स्लाइड को वॉश करेंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग तो उसमें सेल फिक्स रहेंगे, वो सेल वो वॉशिंग के साथ निकल नहीं जाएंगे। तो ये यूज़ होता है फिक्सेटिव सॉल्यूशन का। ठीक है, फिक्सेटिव एजेंट। ये वाला स्टेन है ब्लू कलर वाला और ये स्टेन भी है। तो जब हमारी स्लाइड जो पूरी तरीके से ड्राई हो गई तो उसको हम पहले डालेंगे स्टेन बी में। 3 से 4 बार हमको डीप करना है और हर डीप के दौरान हमें इसको 5 से 6 सेकेंड तक इसके अंदर रखना है ताकि इसके अंदर की जो सेल है वो पूरी तरीके से स्टेन हो जाए। और उसके बाद एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग। तो फिल स्टेन ए में डालने के पहले हमको वॉशिंग करनी होगी। अब बारी आती है फील्ड सॉल्यूशन ए की। तो इसमें भी हमें वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इसमें भी हमें अपनी स्लाइड को 3 से 4 बार 5 सेकंड के लिए डिप करना है और जो ये स्टेन है इस प्रोसेस के दौरान पूरे सेल को ब्लू कलर से स्टेन कर देगा। और अब हमें पता चल जाएगा जो हमारे ब्लड सेल हैं उनके प्रॉपर्टी, उनके नेचर के बारे में। तो स्लाइड ड्राई हो चुकी है और उसके बाद हमने उसको एक लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसके अंडर में ऑब्जर्व किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक लाइट लगी हुई है जो स्पेसिमेन के जो स्लाइड के थ्रू पास होगी और वो लेंस में वो लाइट पड़ेगी और उससे हम माइक्रोस्कोप में इमेज देख पाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे लेंसेस हैं, 40x है, 100 है, 1000 है। तो ब्लड सैंपल को हमें अगर देखना है तो हम जनरली 100x का यूज़ करते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑयल इमल्शन। ठीक है, तो ये ऑयल जो है वो हम पहले इस स्लाइड में डालेंगे जहाँ पर हमने स्टेनिंग की है उस पार्ट में डालेंगे और उसके बाद हम फोकस करेंगे अपने स्लाइड को। ठीक है, और फोकस करने के लिए हम लेंस है उस पे देखेंगे। तो ये जो था 40x था तो हम पहले 100x पे लेंगे। स्लाइड फिक्स करना है अपने को, 100x पे गए नहीं, मैं 40 पे था। ये ऑयल लिखा है, ये ऑयल है। अच्छा, 100 पे ऑयल लिखा है ना। हाँ, तो अभी इसको ऊपर करना है, ऊपर करेंगे, ये करेंगे, सेट करना है। इसके बाद मैंने 3 स्पेसिमेन ट्यूब को देखा जिसमें हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। और ये जो पहला ट्यूब है इसको हम बोलते हैं EDTA ट्यूब, ओके, इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है।
और ये एंटी कोएगुलेंट की तरह एक्ट करता है, इसका मतलब इसमें ब्लड कोएगुलेट नहीं होता। दूसरा जो अब मैं आपको ट्यूब दिखाने जा रहा हूँ जो EDTA के बाद आता है, उसका नाम है प्लेन ट्यूब। अब ये प्लेन ट्यूब में क्या होता है कि इसमें कोई एंटी कोएगुलेंट यूज़ नहीं किया जाता और इसमें जो भी ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है उसका तुरंत से तुरंत या फिर जल्द से जल्द टेस्ट किया जाता है। और ये जो लास्ट में आपका ट्यूब आ रहा है इसको हम बोलते हैं सोडियम सिट्रेट ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब में एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड की क्लॉट होने की प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाता है। तो ये तीन तरीके के ट्यूब मैंने देखे पैथोलॉजी लैब में। आगे चल के मैंने ये लेबोरेटरी में ये भी देखा कि एक मशीन है जो हर तरीके के टेस्ट करती है, जैसे शुगर टेस्ट, SGPT, SGOT, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, देन हार्ट के फंक्शन के लिए जो लैक्टेज टेस्ट होता है वो भी करती है, और फिर इसमें कोलेस्ट्रॉल चेकिंग भी की जा सकती है। तो इसमें जस्ट हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये बताया जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर किस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ गया है, वो लिमिट के अंदर है कि नहीं या फिर वो ज़्यादा है। तो ये मल्टी फंक्शनल मशीन है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री मशीन भी कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पैथोलॉजिस्ट है वो हमें बताना चाहते हैं कि इसमें टेस्ट कैसे रन किया जाता है। तो ये जो है ये क्रिएटिनिन फंक्शन किट है जिसमें हम क्रिएटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में कितना बढ़ गया वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने हमें ये बताया कि ये मशीन को यूज़ कैसे किया जाता है। तो इस मशीन को यूज़ करने के लिए उन्होंने हमें क्रिएटिनिन का जो बटन है उसको प्रेस किया और फिर उसके बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर आ गया। अब इस टेम्परेचर पर हम क्रिएटिनिन टेस्ट करेंगे। तो इसमें इन्होंने फर्स्ट जो है डिस्टिल वाटर लिया, ये डिस्टिल वाटर एज ए ब्लैंक हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके बाद इन्होंने एक सैंपल लिया, सीरम सैंपल, और इस सीरम सैंपल में हम देखेंगे कि क्रिएटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ गया। तो इन्होंने अब क्या किया, वो क्रिएटिनिन का जो सैंपल है उसको भी इस मशीन के अंदर सक किया। तो ये एक चेंबर है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएटिनिन का जो सैंपल है वो अंदर चला जाता है, और फिर उसके थ्रू अब ये जो रीडिंग है, जो ग्राफ है, वो अपने आप बन जाता है। नॉर्मल लेबोरेटरी में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में आपको ग्राफ खुद से बनाना पड़ता है, ऑप्टिकल डेंसिटी लेके एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं नैनोमीटर पे आपको ग्राफ खुद से बनाना पड़ता है। ये मशीन खुद ही ग्राफ बना रही है। तो जस्ट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ये मशीन हमें रीडिंग भी अपने आप ही बता देगी। तो ये जैसे कि देख रहे हैं ये ग्राफ अपने आप बढ़ता जा रहा है। इसके बाद पैथोलॉजिस्ट ने हमें एक हिमेटोलॉजिकल मशीन दिखाई। इस मशीन के अंदर सिर्फ हमें ब्लड सैंपल को इस चेंबर के थ्रू ऐड करना है। तो ये जो दिख रहा है सकर, उसके अंदर से ब्लड अंदर जाएगा और फिर वो ब्लड, तो ये देखिए ब्लड कैसे अंदर जा रहा है, ये जस्ट उसको पुश करना है हमें और ब्लड सक हो जाता है अंदर की तरफ, और उसके बाद ये जो मशीन है अपने आप बताएगी कि कितना RBC है, कितना WBC है, कितना प्लेटलेट्स है, और भी सारे ब्लड सेल के बारे में बताती है। अब बारी आती है क्लॉगेशन फैक्टर मशीन की। तो इस मशीन में हम ब्लड का क्लॉटिंग जो है बराबर है कि नहीं या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट है वो चेक करते हैं। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट का जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बहुत देरी से होता है, तो इसके लिए हम इस सैंपल में, इस ट्यूब में हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सोडियम सिट्रेट ट्यूब। और ये मशीन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की जो क्लॉटिंग है वो बराबर है कि नहीं। तो ये जो है ये एंटीजन एंटीबॉडी किट है, और इसके थ्रू हम अपनी बॉडी में जितने भी एंटीबॉडी सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो एंटीबॉडी कब सिंथेसाइज होता है, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसका पता हम ये किट के द्वारा लगा सकते हैं। ये मलेरियल इन्फेक्शन किट है, तो इससे हम मलेरिया के बारे में पता लगा सकते हैं कि हमें मलेरिया हुआ है कि नहीं। नॉर्मली पैथोलॉजिकल लैब में यूरिन एनालिसिस के लिए स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है, और ये जो कलर्स दिख रहे हैं ये अलग अलग यूरिन की कंडीशन को बता रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन यूरिया या फिर होमोसिस्टीन यूरिया, अलग अलग कंडीशन को ये स्ट्रिप के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये फ्रीज़र के बारे में बताया जिसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी किट है उनको स्टोर किया जाता है,
नॉर्मल टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर इसका होना चाहिए लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। और फिर हम जाते हैं डेटा एनालिसिस के बारे में। सो इसमें इन्होंने बताया कि एक ऐप है जिसको इन्हें हर मंथ पे करना पड़ता है, और इसमें हर चीज़ दी गई है, जैसे कि किसी चीज़ का हमारे बॉडी में कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, उसका रेंज कितना होना चाहिए। तो ये जो है लैब सॉफ्टवेयर है, और इसके थ्रू ये जो है अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इसके बाद इन्होंने हमें शुगर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया कि हमारे बॉडी में कितना शुगर कॉन्सेंट्रेशन होता है, और उसकी एक रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने पोस्ट पैंड्रियल और ये सब के बारे में भी मेंशन किया है। और फिर बाद में ये हमें बताएंगे कि इसका रेंज क्या होता है, कोई भी जैसे शुगर है, क्रिएटिनिन है, प्रोटीन है, या फिर और कोई चीज़ है, वो हमारे बॉडी में कितने रेंज में होती है। तो ये जो लैब है, ये जो लैब सॉफ्टवेयर है, ये हमें सब कुछ बता देती है। तो देखिए, इन्होंने एक जनरल पर्सन का लिया, मेल है, फीमेल है, एक चाइल्ड का है जो 5 से 7 साल का है, या फिर एक इन्फेंट है, नियोनिटल है, 18 से 17 रेंज है। तो हर चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन जो है इसमें आप ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो इससे आसानी हो जाती है रिपोर्ट बनाने में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको लेबोरेटरी के हर एक मशीन के बारे में स्मॉल से स्मॉल डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो ये हर एक रिपोर्ट बनाने से लेकर कैसे एंटीजन एंटीबॉडी किट को स्टोर किया जाता है फ्रीज़र में, और कौन कौन सी बायोकेमिस्ट्री मशीन है जो अलग अलग तरीके के टेस्ट करती हैं, तो इस वीडियो का मकसद यही था कि जब आप किसी पैथोलॉजी लैब में जाएं तो आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और वो मशीन कैसे वर्क करती है, कैसे हमें स्लाइड प्रिपेयर करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का क्या फंक्शन है, और हर एक चीज़ पैथोलॉजी की आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए इसी चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।